हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन। मेरा नाम अक्षय है और आज हम देखेंगे ECCF का चैप्टर नंबर 2, पावर एम्पलीफायर्स। तो दोस्तों, एम्पलीफायर्स क्या होते हैं? एम्पलीफायर्स सिग्नल के एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करता है। तो अभी एग्जांपल ले लो, वोल्टेज एम्पलीफायर। तो वोल्टेज एम्पलीफायर क्या करता है? लो वोल्टेज सिग्नल को हाई वोल्टेज सिग्नल में कन्वर्ट करता है। एज अ एग्जांपल, अगर हम लोग 2 वोल्टेज AC सिग्नल अप्लाई कर रहे एक वोल्टेज एम्पलीफायर में, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? 4 वोल्टेज या तो उससे ज़्यादा वोल्टेज AC सिग्नल मिलेगा। ये था वोल्टेज एम्पलीफायर। पर पावर एम्पलीफायर क्या होता है? तो दोस्तों, वोल्टेज इंक्रीज करने से पावर एम्पलीफाई नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि वोल्टेज के साथ हमें करंट भी एम्पलीफाई करना पड़ेगा, तब जाके हमको पावर एम्पलीफाई मिलेगा। तो देखो दोस्तों, पावर एम्पलीफायर में हम एज ए इनपुट क्या दे रहे हैं? हाई वोल्टेज लो करंट सिग्नल दे रहे हैं। तो हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है? हाई वोल्टेज हाई करंट सिग्नल मिल रहा है। मतलब समझो कि आपके पास एक लो वोल्टेज और लो करंट सिग्नल है, तो आप उसको पहले किस में डालोगे? वोल्टेज एम्पलीफायर वाले बॉक्स में। तो आपको वहां से क्या मिलेगा? हाई वोल्टेज लो करंट सिग्नल मिलेगा। वोल्टेज एम्पलीफाई करंट एम्पलीफाई नहीं करके देगा, लेकिन वोल्टेज तो एम्पलीफाई हो गया। अब ये वाला सिग्नल आप किस में डालोगे? पावर एम्पलीफायर में। तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? हाई वोल्टेज और हाई करंट। तो अभी आपका पावर एम्पलीफाई हो गया। पावर का फॉर्मूला क्या है? तो पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। तो ये आपका वोल्टेज, जो वोल्टेज एम्पलीफायर एम्पलीफाई करके दे रहा है, और ये है आपका करंट, जो पावर एम्पलीफाई एम्पलीफाई करके दे रहा है। तो बेसिकली आपका वोल्टेज भी एम्पलीफाई हो गया, करंट भी एम्पलीफाई हो गया, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो आपका पावर भी एम्पलीफाई हो गया। मतलब पावर एम्पलीफायर क्या है? करंट एम्पलीफायर है। पावर एम्पलीफायर क्या करता है कि करंट को एम्पलीफाई करके देता है। अब हम देखेंगे पावर एम्पलीफायर के अलग अलग क्लास। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ पावर एम्पलीफायर। तो पावर एम्पलीफायर 4 में क्लासिफाई हो रहा है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास ए बी और क्लास डी। सॉरी, 5 में क्लासिफाई हो रहा है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास ए बी और क्लास डी। दोस्तों, ये सब ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ 2 ही एम्पलीफायर के बारे में पढ़ने वाले, क्लास ए पावर एम्पलीफायर और क्लास सी पावर एम्पलीफायर। तो दोस्तों, हम देखेंगे क्लास ए पावर एम्पलीफायर क्या होता है। क्लास ए पावर एम्पलीफायर का वर्किंग समझने के लिए आपको पीछे के वीडियोस देखने बहुत ज़रूरी है, जिसमें मैंने समझाया था क्यू पॉइंट के बारे में। तो दोस्तों, क्यू पॉइंट क्या है? जो डिफाइन करता है कि ट्रांजिस्टर कौन से रीजन में ऑपरेट कर रहा है, कि वो एक्टिव रीजन में ऑपरेट कर रहा है, सेचुरेशन रीजन में ऑपरेट कर रहा है, कि कट ऑफ रीजन में ऑपरेट कर रहा है। क्लास ए पावर एम्पलीफायर ऐसे ट्रांजिस्टर का यूज़ करता है जो जिसका क्यू पॉइंट DC लोड लाइन के मिडल में हो। तो दोस्तों, ये है DC लोड लाइन और क्यू पॉइंट यहाँ पे प्रेजेंट है। तो क्लास ए पावर एम्पलीफायर बेसिकली क्या कर रहा है कि वो ट्रांजिस्टर का यूज़ कर रहा है जिसमें हम लोग जब AC सप्लाई इनपुट करेंगे तो पूरे फुल साइकिल के लिए ऑन रहे। तो दोस्तों, अभी देखते हैं कि वो फुल साइकिल के लिए कैसे ऑन रहेगा। तो दोस्तों, ये है आपका क्यू पॉइंट, यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन बनाई गई, डॉटेड लाइन। तो यहाँ से हमें IB के वैल्यूज मिलेंगे, जैसे कि ये है IB2, ये है IB3 और ये है IB4। मतलब ये IB2, IB3 और IB4। दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि अभी पावर एम्पलीफायर क्या करता है? AC सिग्नल को एम्पलीफायर करने वाला है। तो हम लोग BJT में AC सिग्नल एज ए इनपुट देंगे। तो BJT में इनपुट क्या है? बेस करंट है, और आउटपुट क्या है? कलेक्टर करंट है। तो ये है हमारा इनपुट, जो बेस करंट है, जो फ्लक्चुएट होने वाला है। AC सिग्नल अप्लाई कर रहे, मतलब करंट का वैल्यू फ्लक्चुएट होएगा, पहले ग्रेजुअली इंक्रीज होएगा, फिर डिक्रीज होएगा, फिर और डिक्रीज होएगा, फिर इंक्रीज होएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है? क्यू पॉइंट के ऊपर का एक IB का वैल्यू और उसके नीचे का एक IB का वैल्यू, दोनों वैल्यू आएंगे AC सिग्नल के अंदर। तो ये होगा IB मैक्स और ये होगा IB मिनिमम। तो दोस्तों, ये जो IB के वैल्यूज आपको दिख रही है, जो क्यू पॉइंट के एक स्टेप ऊपर है और एक स्टेप नीचे, ये सब वैल्यूज एक्टिव रीजन में आ रही है। मतलब क्या कि ट्रांजिस्टर पूरे टाइम ऑन रहेगा, क्योंकि वो पूरे टाइम एक्टिव रीजन में है, तो हमें पूरे टाइम आउटपुट मिलेगा। क्या समझे दोस्तों? क्या हो रहा है कि आपने एक करंट दिया है, जो AC सिग्नल है, जो पूरे टाइम ऑन रह रहा है, जिसकी वजह से आपका ट्रांजिस्टर पूरे टाइम एक्टिव रीजन में है, तो आपका आउटपुट भी पूरे टाइम फुल साइकिल आएगा। तो ट्रांजिस्टर कंडक्ट कर रहा है फुल साइकिल। दोस्तों, ये वाई एक्सिस पे IC दिख रहा है, जो आउटपुट करंट है। अगर इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे वाई एक्सिस पे, तो आपको आउटपुट का वेव फॉर्म मिलेगा, ये है IC का वेव फॉर्म। और यहाँ पे अगर हम लोग एक्स एक्सिस पे एक्सटेंड करेंगे, तो आपको मिलेगा वोल्टेज, जो VCE है, कलेक्टर और एमिटर के बीच का वोल्टेज। दोस्तों, अभी ये आउटपुट, ये है इनपुट IB, जो हम इनपुट दे रहे हैं, ये IC, ये थोड़ा एम्पलीफाई होके आपको मिल रहा है,
और ये है आपका VCE। तो दोस्तों IC और VCE 180 डिग्री फेस शिफ्ट है। देखो ये थोड़ा उल्टा है ना, ये ऐसा है और ये ऐसा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे 180 डिग्री फेस शिफ्ट है। तो IC और VCE क्या है, IC एंड VCE 180 डिग्री फेस शिफ्ट है। तो क्लास ए पावर एम्पलीफायर में क्या हो रहा है कि जब हम लोग IB करंट अप्लाई कर रहे हैं फॉर फुल साइकिल, तो हम लोग को आउटपुट में भी फुल साइकिल मिल रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि हाफ साइकिल मिल रहा है कि फुल साइकिल। तो आपका ट्रांजिस्टर फुल साइकिल ऑन है और उसके वजह से आपको आउटपुट में भी फुल साइकिल मिल रही है। तो दोस्तों ये था क्लास ए पावर एम्पलीफायर का कंसेप्ट। अब हम लोग देखेंगे कि BJT एज अ क्लास ए पावर एम्पलीफायर। तो दोस्तों इसमें कुछ डरने की बात नहीं है, एकदम ईजी है। हम लोग ने जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये आपका बेस है, ये बेस, ये है कलेक्टर और ये है एमिटर। तो मैंने दोस्तों बताया था कि हम लोग बेस पे इनपुट देने वाले। तो वी इन क्या है, तो ये AC सिग्नल है जो इनपुट दे रहे हैं हम लोग बेस पे, और हम लोग को आउटपुट किधर मिलेगा, कलेक्टर पे। यहाँ पे मिल रहा है हमको आउटपुट। तो ये सेम वही वर्किंग वैसे ही हो रहा है कि पूरे फुल साइकिल के लिए ऑन रहेगा ट्रांजिस्टर और हमको आउटपुट में फुल साइकिल मिलेगी। दोस्तों अभी हम लोग आउटपुट साइकिल्स देखते, इनपुट वोल्टेज कैसा जा रहा है ऐसा, पर आउटपुट वोल्टेज उल्टा हो गया। मतलब क्या, इनपुट और आउटपुट के बीच में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है। दोस्तों मैंने BJT के फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था कि BJT एज अ एम्पलीफायर यूज करते हैं। तो दोस्तों ये देख लो, BJT कैसे एज अ एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं। हम लोग बेस पे AC सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं और हम लोग को कलेक्टर पे एक AC आउटपुट मिल रहा है, पर वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट है। दोस्तों अब सोचोगे कि ये कैपेसिटर क्यों लगा है, तो कैपेसिटर क्या कर रहा है, सिर्फ वो AC सिग्नल को जाने देगा और DC सिग्नल को रोक देगा। तो कैपेसिटर का काम क्या है, AC सिग्नल को पास करेगा और DC सिग्नल को ब्लॉक करेगा। तो दोस्तों ये था क्लास ए पावर एम्पलीफायर। अब हम देखेंगे क्लास सी पावर एम्पलीफायर। तो दोस्तों अब ये है क्लास सी एम्पलीफायर का वर्किंग। यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्लास ए पावर एम्पलीफायर में हमने देखा कि जो क्यू पॉइंट लिया है वो DC लोड लाइन के हाफ पे था, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो हमारा क्यू पॉइंट है वो एक्स एक्सिस से भी नीचे है। तो अब दोस्तों आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ऐसे कैसे क्यू पॉइंट को एक्स एक्सिस के नीचे ले लिया। तो दोस्तों अज्यूम करो कि क्यू पॉइंट आपका जो है वो कोई भी रीजन में ऑपरेट नहीं कर रहा है और एक्स एक्सिस के नीचे लिया है। तो दोस्तों सिर्फ ये अज्यूम करने के लिए अभी रखो कि मैंने ऐसा क्यू पॉइंट लिया है। तो आप सोचोगे कि आप कोई भी रीजन में है नहीं, आपका क्यू पॉइंट कोई भी रीजन में है नहीं, तो आपका ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करेगा। तो दोस्तों वो मैं आपको समझाता हूँ कि वो कैसे वर्क करेगा। सोचो कि ये ट्रांजिस्टर है, बेस पे आपने ये कलेक्टर जहाँ पे आउटपुट लेने वाले। तो दोस्तों ये बेस है जहाँ पे आप AC साइकिल इनपुट देने वाले हो। तो मैंने जैसे कि बताया था कि अगर हम ये क्यू पॉइंट ले रहे हैं तो हमको दो वैल्यू लेना पड़ेगा, ऊपर का वैल्यू और क्यू पॉइंट के नीचे का वैल्यू। क्यू पॉइंट को एक्सटेंड करेंगे तो ये उसका नीचे का वैल्यू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा IB मैक्स, हो जाएगा IB मिनिमम। क्योंकि हम लोग AC साइकिल इनपुट कर रहे BJT में, तो ऑब्वियसली वैल्यू फ्लक्चुएट होगी, तो ऊपर के साइड जाएगी क्यू पॉइंट के, क्यू पॉइंट के ऊपर के साइड जाएगी और क्यू पॉइंट के नीचे के साइड जाएगी। तो दोस्तों अब क्या हो रहा है, जब आप क्यू पॉइंट के ऊपर के साइड जा रहे हो, आफ्टर सम वैल्यूज, ये वैल्यूज के बाद आप देख रहे हो कि आपकी जो IB के वैल्यूज है वो आ रही है आपके रीजन में आ रही है, ऑपरेटिंग रीजन में आ रही है। ये सब जो है वो रीजन है, कट ऑफ रीजन है। तो यहाँ पे मतलब कि आपका एम्पलीफायर स्टार्ट करेगा वर्क करना। तो दोस्तों कि ये वैल्यूज के लिए आपका एम्पलीफायर वर्क करेगा और उसके लिए आपको एक आउटपुट मिलेगा जो यहाँ पे मिलेगा, ये IC है। तो मतलब क्या हो रहा है कि फुल साइकिल हम लोग अप्लाई कर रहे हैं लेकिन हमें आउटपुट सिर्फ हाफ साइकिल के लिए ही मिल रहा है। तो क्लास सी एम्पलीफायर में क्या हो रहा है कि हम लोग ट्रांजिस्टर का क्यू पॉइंट इस तरह से डिसाइड करते हैं कि वो सिर्फ हाफ साइकिल के लिए वर्क करे। समझे दोस्तों क्या हो रहा है, ये आपका IB है जो हम लोग इनपुट दे रहे फुल साइकिल, लेकिन आउटपुट क्या मिल रहा है, सिर्फ हाफ साइकिल मिल रहा है। क्यों, क्योंकि हम लोग ने क्यू पॉइंट एक्स एक्सिस के बिलो लिया है, जहाँ पे क्या हो रहा है IB मैक्स का वैल्यू पे क्यू पॉइंट वैलिड है, लेकिन IB मिनिमम के टाइम क्यू पॉइंट इनवैलिड है। सो इसके लिए ट्रांजिस्टर सिर्फ ऑपरेट कर रहा है ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये वाले पीरियड के लिए ट्रांजिस्टर ऑपरेट कर रहा है, बाकी के ये पूरे पीरियड के लिए ट्रांजिस्टर ऑफ रह रहा है। मतलब आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, जीरो। बाकी के पूरे पीरियड के लिए, जो पूरा पीरियड है उसके लिए आपको आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो। लेकिन सिर्फ ये वाले रीजन के लिए आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट कुछ आउटपुट एम्पलीफाई होके मिल रहा है। तो दोस्तों ये था आपका क्लास
सी एम्पलीफायर, और सेम यहाँ पे भी आई सी और जो वी सी का है वहाँ पे 180 डिग्री फेस शिप आपको दिखाई देगा। तो ये था क्लास सी एम्पलीफायर। अब हम देखेंगे क्लास सी एम्पलीफायर एज ए बीजेटी। तो बीजेटी एज ए क्लास सी एम्पलीफायर थोड़ा सा अलग है, सेम क्लास ए का जैसा नहीं कि हम लोग ने बेस पे इनपुट दिया और कलेक्टर पे आउटपुट दिया। अभी आपने अगर वेव फॉर्म्स देखे रहेंगे तो वहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव स्पाइक्स आ रहे थे कलेक्टर पे। तो अब ये तो हमारा एसी इनपुट नहीं है ना, हमें तो पूरा सिग्नल चाहिए ना। तो दोस्तों अब हम क्या कर रहे हैं, ये आपका बीजेटी जहाँ पे हम लोग ने अप्लाई किया वी आई, ये है इनपुट एसी सिग्नल। आपको यहाँ पे आउटपुट मिलने वाला है ये कलेक्टर पे। ये कलेक्टर पे आउटपुट क्या मिलने वाले, स्पाइक्स मिलने वाले, सिर्फ पॉजिटिव एम्पलीट्यूड मिलने वाले, नेगेटिव पे आपको कुछ नहीं मिलने वाले। तो दोस्तों ये जो स्पाइक्स है करंट पल्सेस है, वो करंट पल्सेस हम लोग एलसी सर्किट को अप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों अभी देखते हैं कि एलसी सर्किट क्या करता है। तो एलसी सर्किट समझने से पहले हम लोग देखते हैं कि मैंने आपको बताया था कि ऐसा क्यू पॉइंट लेंगे जो बिलो द एक्स एक्सिस रहेगा। तो दोस्तों वो कैसे डिसाइड होगा कि वो बिलो द एक्स एक्सिस कैसे पहुंचेगा। तो हम लोग वो माइनस वीवीबी का यूज करेंगे जिसके वजह से हमारा क्यू पॉइंट बिलो द एक्स एक्सिस चला जाएगा। और दोस्तों ये है रेडियो फ्रिक्वेंसी चौक। ये क्या करता है, एसी सिग्नल को रोकता है और सिर्फ डीसी सिग्नल को जाने देता है। मतलब माइनस वीवीबी जो दिया है वो यहाँ से पास होके यहाँ पे जाएगा, एसी सिग्नल यहाँ पे नहीं आ पाएगा। मतलब एसी सिग्नल यहाँ से ब्लॉक हो जाएगा और डीसी सिग्नल यहाँ से पास हो जाएगा, समझे। तो दोस्तों मैंने क्या बताया था आपको पीछे वाले डायग्राम में कि हम लोगों को सिर्फ करंट पल्सेस मिलते हैं जो सिर्फ पॉजिटिव पल्सेस रहते हैं, और ये पल्सेस हमें कलेक्टर करंट मिलते हैं, कलेक्टर करंट पे मिलते हैं। तो ये तो हमें आउटपुट नहीं चाहिए, हमें आउटपुट क्या चाहिए, पूरा साइनोसोइडल वेव चाहिए। तो वो आउटपुट हम कैसे मिलेंगे, तो हम वो जो करंट पल्सेस है जो पॉजिटिव पल्सेस है उसको अप्लाई करेंगे एलसी सर्किट में। ये है आपका एलसी सर्किट। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं ट्यून सर्किट, टैंक सर्किट या तो एलसी सर्किट, इसको कुछ भी बोल सकते हैं। तो जब ये करंट पल्सेस हम अप्लाई करेंगे एलसी सर्किट पे तब आपको एक वोल्ट आउटपुट मिलेगा जो है डैम्प ऑस्किलेशन, यह ऑस्किलेशन मिलेगा। तो दोस्तों मतलब क्या हो रहा है, आप अप्लाई कर रहे हो करंट पल्सेस, आपको आउटपुट मिल रहा है एसी सिग्नल। तो क्लास सी पावर एम्पलीफायर आपने समझा कैसे हो रहा है, कि पहले होता है कि ये सिर्फ हाफ साइकिल के लिए ऑन रहता है, फिर हाफ साइकिल की वजह से आपको आउटपुट सिर्फ हाफ साइकिल मिलता है। आप अप्लाई कर रहे हो इनपुट फुल साइकिल, लेकिन आपको हाफ साइकिल के लिए ट्रांजिस्टर ऑन रहेगा, उसके वजह से आपको कलेक्टर करंट सिर्फ हाफ साइकिल के लिए मिलेगा। मतलब सिर्फ पॉजिटिव करंट पल्सेस मिल रहे हैं। ये करंट पल्सेस को आप एलसी सर्किट को देंगे जिसको हम ट्यून सर्किट बोलते हैं। ये ट्यून सर्किट वो करंट पल्सेस को कन्वर्ट कर देंगे डैम्प ऑस्किलेशन। अभी डैम्प ऑस्किलेशन क्यों बोलते हैं, कि जो आपका ये वेव फॉर्म है वो धीरे धीरे छोटा होते जा रहे हैं। मतलब जो आपका एम्पलीट्यूड है ना वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं डैम्प ऑस्किलेशन। तो अभी दोस्तों इसका वर्किंग हम लोग आगे के ऑस्किलेटर्स के वीडियोस में देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। तो ये था क्लास सी बीजेटी एज अ क्लास सी एम्पलीफायर। तो ये था वीडियो ऑन पावर एम्पलीफायर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा, और अच्छा लगा तो शेयर करो अपने सारे दोस्तों को जो अभी तक लास्ट मिनट में पढ़ते हैं। पूरा ECCF का कोर्स आप हमारी वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हो www.lastmotivation.com। तो जाओ वेबसाइट पे चेकआउट करो, वहाँ पे आपको बहुत सारे और भी कोर्सेज मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि और भी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसके बाद में बेल आइकन को क्लिक करना पड़ेगा। बाकी थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। इसके हमने नोट्स भी बनाए, पूरे ECCF के नोट्स हमारे पास रेडी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी गई है किस तरह से आप हमारे नोट्स ले सकते हो। बाकी हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।